मोटापा के लिए आपको खास अभ्यास बता देते हैं। मोटापा के लिए ऐसे तो हम 20 अभ्यास बताते हैं, लेकिन उसमें भी कपालभाति तो जरूरी है ही है, और बैठ करके ये चक्की आसन ऐसे 5 अभ्यास बता दे रहे हैं कपालभाति के अलावा। 100 अभ्यास ऐसे तो पूरा पैकेज 20 का है। तिलक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, फिर बैठ करके ये चक्की आसन, फिर ये स्थित कोणासन, ऐसे एक एक अभ्यास को दो दो तीन तीन मिनट तक कर लेना, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, फिर सीधे लेट करके, तो ऐसे फिर प्राणायाम। तो कम से कम बता रहा हूँ, कपालभाति, प्राणायाम, ये चक्यासन ही बैठ करके, ये क्रॉस करके पैर छूना, स्थित कोणासन, और 3 अभ्यास, पैर ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, ऐसे 5-10 बार करना। सुबह उठ करके गोमूत्र का अर्क पीना यदि हो सके तो, ना पी सके तो कोई बात नहीं, एलोवेरा आंवला और लौकी जूस पी लेना, मेदोहर वटी खा लेना, यदि हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते भी सुबह शाम 5-5 पत्ते खा लीजिए। खाने में लो कैलोरी, पतंजलि का जो मल्टीग्रेन दलिया वो लीजिए, शाक सब्जियां अधिक सेवन कीजिए। यह अभ्यास है, 5-10 बार से प्रारंभ करके एक अभ्यास को 50-50 बार कर सकते हैं। ऐसे ही एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे पूरी गोड़ाई में थाई बटक्स पर ज्यादा वजन बढ़ता है, सबसे ज्यादा वजन ये तो बढ़ता है थाई पर, बटक्स पर, हिप्स पर, कमर पर, पेट पर, पीठ पर, ये सारा वजन आपका कम हो जाता है। ऐसे पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाए, दाएं पैर से भी ऐसे, फिर बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाए ऐसे। पहले आराम आराम से घुमाना, फिर धीरे धीरे स्पीड अप हो जाए। 5-5, 10-10 बार से प्रारंभ करके 25-25, 50-50 बार ये अभ्यास कर लीजिए। ये आपको 2 अभ्यास बताए लेट के, तीसरा है द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास लेट करके 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार तक ऐसे करना, ये अभ्यास। और दोनों से ना कर सके तो ऐसे ही कैसे कर लेना, मोटापा ही रहेगा। बस खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, आहार और विचार, ये 2 बहुत बड़े हमारे जीवन के आधार तत्व। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण भी गलत विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए, और एक कण भी गलत आहार का हमारे तन में नहीं जाना चाहिए। मन में एक क्षण भी गलत विचार ना आए, तन में एक कण भी गलत आहार का ना जाए, तो आहार विचार जब शुद्ध हो जाएंगे तो पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। एक एक या दोनों पैरों से ऐसे करना, 5-5, 10-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार, 3 अभ्यास ऐसे ये लेट करके, अंत में शवासन, तो सब योगाभ्यास के अंत में करना ही होता है। श्वासों पर नियंत्रण करके मन का पूरे देह को शववत ढीला छोड़ देते हैं और स्वयं को शिववत अनुभव करते हैं। हमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानमय प्रेममय करुणामय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा। ओम तत्त्वमसि, ओम तत्त्वमसि, श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्मायाम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर की दिव्यता में, पूर्णता में तो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो कोई अकेलापन, कोई खालीपन जीवन में नहीं रहता। ये लॉनलीनेस, ये खालीपन, ये न्यूनता अपने भीतर, अपूर्णता अपने भीतर जब हम अनुभव करते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो शवासन करके अपने आप को ऐसे पूर्णता से, सब प्रकार की दिव्यताओं से परिपूर्ण अनुभव करना, और भगवान की शरणागति में सदा अपने आप को स्वस्थ, सुरक्षित, सुखमय, शांतिमय, आनंद में अनुभव करना। अंत में फिर ऐसे बाएं कलट लेते उठ जाना। तो आपको मोटापा के लिए भी शॉर्ट पैकेज बता दिया।